हेलो फ्रेंड्स, मैं मंगल करण स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गार्डन फ्लोरा में। दोस्तों, आज हम बहुत आसान तरीके से गेंदे की कटिंग लगाना सीखेंगे। गेंदा जिसको हम मैरीगोल्ड बोलते हैं, जो बहुत खूबसूरत से फूल देता है, बहुत आसानी से कटिंग लग जाती है दोस्तों। तो देखते हैं क्या प्रोसेस है आगे। हमारे घर में कुछ गेंदे के पौधे लगे हैं और उनसे हम उसकी कटिंग डेवलप कराना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपके घर के आसपास में भी या फिर आप जाते हैं कहीं पर, आपको बहुत सुंदर सा गेंदे का पौधा मिलता है जिसमें बहुत बड़े बड़े से फूल हैं या काफ़ी खूबसूरत सा उसका कलर लगता है, तो आप भी उसकी कटिंग ला सकते हैं। और आप देखें, ये इस तरीके से कोई भी कटिंग लेते हैं, अगर फ्लावर बड आ रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी वो कटिंग ग्रो हो जाती है। गेंदे में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है, और चाहे वो हाइब्रिड रोज हो जिसे हजारा गेंदा बोलते हैं जिसमें बड़े बड़े फूल खिलते हैं, चाहे आप देखेंगे जाफरानी गेंदा जिसमें लाल और पीले कलर की जो है पंखुड़ियाँ अलग अलग कलर में आती हैं, तो हम इसमें आप देखेंगे 4 से 5 इंच की ऐसी ब्रांचेस ले लेंगे दोस्तों। इस तरीके से ब्रांचेस ले लेंगे, जैसे इस तरीके से हम यहाँ पर ब्रांचेस ले रहे हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पर 4 ब्रांचेस ले लेते हैं। इस तरीके से आप भी ला सकते हैं दोस्तों। ये ब्रांचेस मैं लाया, और लाने के बाद इसकी जो ये पार्ट है इनको हमने कट कर दिया इस तरीके से। नीचे का कुछ जो है इसकी पत्तियां हमें काटनी होती हैं दोस्तों, तो ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ ले लेता है। इस तरीके से हमने ब्रांचेस काट दी हैं, और काटने के बाद इनकी पत्तियों को इस तरीके से हटा दिया है। नीचे जो है शार्प ब्लेड से अगर है तो उसको कट लगा दें, नहीं तो गेंदा तो ऐसे भी ग्रो कर जाता है। बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि जैसे हम इसे लाएं और बिल्कुल हार्ड सी मिट्टी में ना लगाएं, उसको कुछ दिनों के लिए पहले रूट इनिशिएट होने दें, उसको एक मिक्सचर तैयार कर लें, उसमें हम लगाएं। और जब 15 दिनों में अच्छी सी इसमें रूट डेवलप हो जाती हैं, पौधा हमें ग्रो करता नज़र आता है, तो उस मिक्सचर से निकालने के बाद उसे अच्छे से गमले में लगा दें दोस्तों। तो डायरेक्टली लगाने से क्या है कि फिर इतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं होती, फिर समय ज़्यादा लग जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने इसकी जो है ये ब्रांचेस, ये पत्तियाँ दोस्तों हमने इसकी काट ली हैं। इस तरीके से हम पत्तियाँ काट लेते हैं, बहुत ज़्यादा पत्तियाँ नहीं रखनी हैं। ये 10-1 दिनों में खुद ही नई पत्तियाँ विकसित होने लगेंगी, और इससे पता चल जाता है कि रूट नीचे ग्रो हो गई हैं, तो ये बहुत बढ़िया तरीका रहता है। हमने ये पत्तियाँ इस तरीके से सब काट ली हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने सारी ब्रांचेस को ऐसे साफ़ कर लिया है, और अब हम लगाने वाले हैं। हमने ये पॉट लिया है, ये पॉट जो है क्योंकि हम रूट सिर्फ इनिशिएट कराना चाह रहे हैं, इसमें पौधा जब अच्छे से विकसित हो जाएगा तो दूसरे गमले में लगाना है दोस्तों। मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें ऐसा नहीं कि मैं पौधे को परमानेंटली नहीं लगाने वाला हूँ। हम सबसे पहले ये छोटे साइज़ का एक गमला लेते हैं जो 6 इंच लगभग गहराई का है, इसमें हम एक कंकड़ रख देते हैं। और ये हम क्या करते हैं दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर मिक्सचर तैयार किया हुआ है। मिक्सचर में कुछ नहीं है, इस तरीके की ये जो रेता होती है, सैंड जो होती है, रिवर सैंड जिसको हम बोलते हैं, ये प्लास्टर में इस्तेमाल की जाती है। एक येलो कलर की भी आती है सैंड, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत हार्ड सॉइल में इसको पहले कटिंग को ना लगाएं, क्योंकि उससे रूट डेवलप तो होती है, बहुत समय लग जाता है उसमें, इसमें जल्दी डेवलप होती है। तो ये वाली सैंड है, बहुत मुलायम होती है, रूट ग्रो करती हैं। और थोड़ी सी हमने इसमें देखेंगे 30% के आसपास तक वर्मी कंपोस्ट मिला ली है। तो ये जो मिक्सचर है इसमें आपका क्या है, 70% सैंड है और 30% वर्मी कंपोस्ट है, हमने ये तैयार किया हुआ है। इसको इस तरीके से हम इसमें प्लेस कर देंगे दोस्तों। इस तरीके से हमने इसको प्लेस कर दिया है, और फिर हम क्या करते हैं, इसमें जो है सिंपल सा हमें यहाँ पर इस लकड़ी की सहायता से, या हम देखेंगे कोई पेन है उसके पीछे वाले साइड की सहायता से, इसको हम होल कर लेते हैं और इन कटिंग को डायरेक्टली प्लेस कर देते हैं। हमने देखो कोई भी इसमें जेल और कुछ इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि गेंदा में ऐसे ही रूट डेवलप हो जाते हैं, कुछ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने इसको ऐसे प्लेस किया, इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से रखा। रखने के बाद हम इसके आसपास की जो मिट्टी है उसको दबा देंगे थोड़ा सा, इस तरीके से हमें दबा देना होता है कि ये हिलने ना पाए। और फिर हमें जो है लगभग इसको
6-7 दिनों के लिए सेमी शेड एरिया में रखना होता है। इस पर सुबह शाम जो है हल्का हल्का फुहारे से पानी देते रहें, बहुत ज़्यादा इसमें पानी भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नमी बिल्कुल बनी रहनी चाहिए। और नमी बनी रहेगी, आप देखेंगे एक हफ्ते में ये ब्रांचेस ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं। बहुत बढ़िया अभी मौसम है, कोई दिक्कत कोई देर नहीं हुई है, बहुत आप आसानी से इसको लगा सकते हैं और लगभग 21 दिनों के बाद इसमें फ्लावरिंग भी दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों कि गेंदे की कटिंग को कितनी आसानी से लगाया जा सकता है, कितनी आसानी से ग्रोथ कराई जा सकती है दोस्तों। क्योंकि कई बार हमारी पसंद का गेंदा जो है हमें मार्केट में नहीं मिलता है, किसी के घर पर लगा होता है, तो हम उससे इससे बहुत आसानी से ग्रो करा सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी दोस्तों? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।